व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ क्या होता है? ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है जब आप पीपीओ या कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है और बीपीओ होता क्या है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज बीपीओ और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इजिली जॉब पा सकते हैं बीपीओ में बिना एक रुपए खर्च किए। तो दोस्तों, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है कि जब एक कंपनी अपने सारे काम खुद नहीं कर पाती है तो वो दूसरी कंपनीज की हेल्प लेती है जिन्हें कि उस काम में महारत हासिल हो। ऐसा करने से उस कंपनी का पैसा और टाइम दोनों बच जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या कोई सर्विस देती है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे टीवी, मोबाइल, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल गेम्स, होस्टिंग सर्विस, क्रीम, डीओ, साबुन, शैम्पू एटसेट्रा। आपने कभी ध्यान दिया होगा, आप कुछ भी खरीदते हैं उस प्रोडक्ट में नंबर और मेल आईडी जरूर दी होती है। अब अगर आपके पास यूजर या कस्टमर की प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड काफी सारी कॉल्स आती है कंप्लेन या सपोर्ट की, तो आपको अपनी कंपनी में एक टीम या कुछ बंदे रखने पड़ेंगे। फिर उनके लिए कंप्यूटर और फोन भी रखना होगा और उस टीम या बंदों को हायर करने के लिए एचआर भी रखनी होगी। एचआर बंदों को हायर करने के लिए जॉब पोर्टल जैसे naukri.com या monster.com यूज करेगी। फिर उन बंदों को प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ट्रेनिंग भी देनी होगी, तो आपको एक ट्रेनर भी हायर करना होगा। बंदे आपके ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो ऑफिस में स्पेस, लाइट, इंटरनेट, एसी, वाटर, टी भी चाहिए और हर मंथ आपको उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इतनी सारी कॉस्ट और इतने झमेले से बचने के लिए आप बीपीओ को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, जो पर कॉल के हिसाब से हो सकता है। अब ये बीपीओ की सरदर्दी है वो कैसे मैनेज करती है, तो बीपीओ का यही काम है, वो हर कॉन्ट्रैक्ट को एक अलग प्रोसेस और एक अलग टीम बना देती है। बीपीओ के पास एक बड़ी एचआर टीम, बड़ा ऑफिस स्पेस, सिस्टम्स, ट्रेनर्स, अकाउंटेंट्स, जॉब पोर्टल सब होते हैं, जिससे वो आउटसोर्स वर्क को इजिली मैनेज कर लेते हैं। अगर हम इन प्रोसेस या काम की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि मुख्य होते हैं। बीपीओ दो तरह से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस जिसमें कस्टमर सपोर्ट, टेक सपोर्ट, लीड जनरेशन, सेलिंग एटसेट्रा किए जाते हैं। बैक ऑफिस इसमें बिलिंग, डेटा एंट्री, चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट एटसेट्रा आ जाते हैं। जॉब इन बीपीओ फॉर फ्रेशर, कैसे आप एज अ फ्रेशर बीपीओ में जॉब पा सकते हैं बिना एक रुपए खर्च किए या बिना किसी कंसल्टेंसी को पैसे दिए। सो बीपीओ में जॉब के लिए बेसिक इंग्लिश, टाइपिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग के लिए बेसिक इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, नो MTI मतलब मदर टंग इशू नहीं होना चाहिए। MTI जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं वो नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है जिसे आप गूगल पे सर्च करके मिरर या किसी के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और आपसे आपका डेली रूटीन या आपके कॉलेज या स्कूल के बारे में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, जिसका जवाब आपको इंग्लिश में देना होता है। इसे HR आपकी स्पीकिंग स्किल चेक करता है। इसको भी आप गूगल से या कहीं से एक पेज पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैकएंड चैट प्रोसेस, डेटा एंट्री के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपकी टाइपिंग स्पीड और ग्रामर चेक की जाएगी। वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और टाइपिंग सीखने के लिए आप टाइपिंग मास्टर प्रो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बीपीओ में जॉब पाने के लिए आपको अपना रेज्यूमे बनाकर naukri.com, monster.com, timeshop.com पे अपलोड करना है और अपनी एक प्रोफाइल बनानी है वहाँ पे। इम्पोर्टेंट, रेज्यूमे में जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कीवर्ड आपको डालने होंगे। जैसे अगर आपने टाइपिंग सीख ली है या आपको टाइपिंग आती है और आप डाटा एंट्री या बैकएंड प्रोसेस या चैट प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको पूरे रेज्यूमे में 3 से 4 जगह पर टाइपिंग टाइप, वर्ड पर मिनट, इस तरह के कीवर्ड 3-4 जगह पे आपको एक वर्ड में डालने पड़ेंगे। इसका यूज करने से आपका रेज्यूमे जो naukri.com या किसी जॉब पोर्टल पे सबसे ऊपर आ जाएगा जब HR सर्च करेगी, तो इससे HR आपको कॉल कर सकेगी। जो लोग ये कीवर्ड नहीं डालते हैं उनका रेज्यूमे काफी नीचे होता है, इसे उनके पास HR की कॉल नहीं जाती है। तो आपके पास HR की कॉल भी आएगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी इजिली बिना एक रुपए खर्च किए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं, उन्हें भी आपको देखना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।